क्लास 10 में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे ओके इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ओके तो इतना डिटेल में तो नहीं है इस साल आप अगले साल काफी डिटेल में पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट ईयर 12th में भी पढ़ेंगे 11th 12th में तो जो भी सीबीएसई ने डिसाइड किया जितना भी वो हम लिमिटेड करेंगे ओके देखिए इसमें मैंने आपको कुछ बातें पहले बता चुका हूँ स्टेम्स का यूज करते हैं वन कार्बन आइटम के लिए मेथ टू कार्बन आइटम के लिए एथ थ्री के लिए ब्यूट पेंट हेक्स हैप ऑक डेक सॉरी ऑक नॉन डेक ओके तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं ए आफ्टर द स्टेम है ना सिंगल बॉन्ड के लिए फटाफट इसको बना लेते हैं देखिए स्टेम्स एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ स्टेम्स कौन कौन से थे वन कार्बन एटम के लिए मेथ टू कार्बन एटम के लिए एथ थ्री कार्बन एटम के लिए प्रॉप फोर कार्बन एटम के लिए ब्यूट फाइव कार्बन एटम के लिए पेंट सिक्स कार्बन एटम के लिए हेक्स करेक्ट है सेवन कार्बन एटम के लिए बताइए एट कार्बन एटम के लिए ऑफ नाइन कार्बन एटम नॉन एंड टेन कार्बन एटम ओके डीईसी उसको पढ़ेंगे हम डीईके डेक ओके उसके बाद आफ्टर स्टेम आफ्टर स्टेम हम क्या लगाते हैं फैमिली बताने के लिए उसकी ए इन या आई लगाते हैं ओके तो सिंगल बॉन्ड जहां पर होगा आफ्टर स्टेम सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड के लिए ए डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे ई डबल बॉन्ड के लिए लगाएंगे डबल बॉन्ड होगा जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे इन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाएंगे आई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या लगाएंगे आई ओके ये हो गया अच्छा चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत इजी है देखिए यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे एक तो देखेंगे आईयूपीएसएन नेम और दूसरा उसका याद करते चलेंगे हम कॉमन सुनिए आईयूपीएसएन नेम के रूल बोलते हैं कॉमन नेम के कोई रूल नहीं होते इसलिए जितना आपके सिलेबस में डिसाइडेड है वो आप लर्न करते चलिएगा पहला कंपाउंड है हमारे पास पहला हाइड्रोकार्बन है हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर आपको पता है कितने कार्बन एटम इसमें बताइए वन इसलिए स्टेम क्या लगेगा कहीं पर भी पहली बात तो दो कार्बन दिख ही नहीं रहे मुझे तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो आने की कोई संभावना है ही नहीं तो सिंगल बॉन्ड की यहाँ दिख रहा है इसलिए चुपचाप क्या लिख देंगे इसमें मीथेन कोई डाउट है बताइए अच्छा इसका कॉमन नेम भी क्या होता है मीथेन तो ये देखिए मैंने लिखा है इसका आईयूपीएसएन नेम और ये मैं लिखना उसका कॉमन आईयूपीएसएन नेम को मैं आईयू से दिखा रहा हूं ऐसे शॉर्ट में आप समझिएगा उसे आईयू से और कॉमन नेम को मैं CN से दिखा रहा हूँ कॉमन नेम को मैं CN से लिख रहा हूँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ कॉमन नेम इसका कॉमन नेम भी क्या होता है मीथेन तो इसमें कोई टेंशन नहीं आगे बढ़ते हैं दूसरा कंपाउंड हमें दिया हुआ है C2H6 ओके C2H6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले आता है बनाना बताइए पहले भी कर चुके हैं कितने कार्बन एटम है टू इसलिए IUPAC नेम क्या बनेगा दो के लिए स्टेम लगेगा F और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगेगा इथेन तो बन गया इथेन कोई डाउट है इसका कॉमन नेम देखिए इथेन का कॉमन नेम होता है इथेन तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है कॉमन नेम भी क्या है इसका इथेन इसका कंडेंस फॉर्मूला देखिए कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये कौन सा फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको बोलेंगे सुनिए ये जो लिखा हुआ है C2H6 इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
और ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखिए उस दिन हम लोगों ने डिसाइड डिस्कस किया था ये CH3 है और ये भी क्या है CH3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई डाउट है बताइए इसमें। हाँ नेक्स्ट लेते हैं, तो आपने देखा इथेन का आईपीसी नेम और कॉमन नेम क्या है सेम। नेक्स्ट कंपाउंड हमको दिया हुआ है C3H8। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा, C सिंगल बॉन्ड C, कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है 8, लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8। हाँ भाई बताइए नाम क्या होगा इसका, मेथ एथ प्रो, इसमें नाम होगा इसका प्रो और कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये इसका IUPAC नेम है प्रोपेन और इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है प्रोपेन, कॉमन नेम भी इसका प्रोपेन है तो कोई टेंशन नहीं है। ओके ठीक, उसके बाद इसका कंडेंस फॉर्मूला बताइए, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ना, देखिए ध्यान से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बनेगा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कोई डाउट है बताइए। हाँ उसके बाद अच्छा इसका कॉमन नेम भी क्या था, प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है C4H10 दिया हुआ है, C4H10 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C और सभी कार्बन्स पे क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई डाउट है, वैलेंसी पता है ना सबकी, 4-4 कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ तो इसका IUPAC नेम बताइए, मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूट, और सबके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल नहीं है इसलिए क्या बन जाएगा ब्यूटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना। अब सुनिए इसका कॉमन नेम, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन, एन एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं स्ट्रेट चेन में चल रहा है, जब स्ट्रेट चेन में चलता है तो उसमें क्या लगा देते हैं एन, प्रोब तक तो नहीं होता है, प्रोब तक कुछ नहीं करते लेकिन प्रोब के ऊपर जाओगे आप तो क्या लगा देंगे एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन के बाद क्या आएगा एन पेंटेन एंड सो ऑन। एन क्या बता रहा है, नॉर्मल कार्बन की स्ट्रेट चेन चल रही है, नॉर्मल कार्बन की स्ट्रेट चेन चल रही है इसलिए हमने एन लगा दिए ठीक है। ओके तो ये इसके बाद इसका कंडेंस फॉर्मूला बताइए, यस ये क्या हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, कोई डाउट है ये इसका कौन सा फॉर्मूला हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट कंपाउंड हमको दिया हुआ है C5H12, देखिए C5H12 ओके स्ट्रक्चर बना लोगे 1 2 3 4 5, सभी कार्बन आइटम की वैलेंसी कितनी होती है 4, सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 12 हाइड्रोजन अवेलेबल थे। IUPAC नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 के लिए स्टेप क्या लगाते हैं पेंट,
और साथ में क्या लगा देंगे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच में स्ले एन पेंटेन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन एन पेंटेन विदाउट ए कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके बताइए, एक और CH2। अच्छा एक और होगा, 1 2 3 ठीक है, ठीक है ये करेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन होंगे ये सभी सैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड बताइए, सैचुरेटेड मतलब कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, अब हम सैचुरेटेड ही करेंगे, दोबारा भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला ही करेंगे, लेकिन आपको स्ट्रेट चेन नहीं मिलेगी, साइड में एक चेन निकली होगी। ओके तो टॉपिक का नाम क्या पड़ जाएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। टॉपिक का नाम आप देखिए चेंज हो गया आपका, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉर ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैंने SC लिख दिया है, हाइड्रोकार्बन्स। तो अब दोबारा भी आपके पास हाइड्रोकार्बन ही, मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल किससे मिलके बने होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से, लेकिन अब स्ट्रेट चेन नहीं होगी, आपको साइड चेन भी मिलेगी। ओके ठीक है, तो देखिए इसमें पहला कंपाउंड हम लेने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको साथ में रूल भी बताता रहूंगा। ओके और मैं लिखवा भी दूंगा आपको, मान लीजिए लिखने के लिए आता है एग्जाम में। रूल नंबर 1, देखिए रूल्स इसके, नंबर 1, सेलेक्ट द लार्जेस्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी कार्बन एटम की। ओके उसके बाद इसकी नेमिंग करनी है, इस लॉन्गेस्ट चेन की नेम दिस लॉन्गेस्ट चेन। मैं आपको करते हुए दिखाता हुआ जा रहा हूं। मान लीजिए कि मुझे एक कंपाउंड दिया हुआ है, C4H10, ओके C4H10। एक तो C4H10 कैसा बन सकता है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन में, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, इन्होंने मुझे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, देखिए C सिंगल बॉन्ड C और ये देखिए ब्रांच निकल गई है यहाँ H एंड कोई डाउट है, इसमें भी कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4, और इसमें भी कार्बन एटम कैसे, 1 2 3 4। ये अभी पहले कर चुके हो, एन ब्यूटेन था ये तो ब्यूटेन था, लेकिन अब आपने क्या देखा, पहले चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आते थे, इस बार ऐसा नहीं,
एक साइड चेन निकल गई है सी एच थ्री की, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। हाँ तो बताइए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कैसे चलूं, वन टू थ्री, यही लॉन्गेस्ट, इससे बड़ी कोई चेन है बताओ। और याद रखिए जरूरी नहीं कि चेन आपको स्ट्रेट दिखाई पड़े, वो ऐसा टर्न भी ले सकती है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वन टू थ्री जब मैंने नाम रखा तो सेकेंड पोजिशन पे कौन निकला हुआ है साइड में, एल्काइल ग्रुप सी एच थ्री निकला हुआ है, याद है एल्काइल ग्रुप, हाँ हाइड्रोकार्बन में एल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन हटा देते थे, ये कभी क्या रहा होगा सी एच थ्री, तो अभी दिख रहा है ना, कभी क्या रहा होगा सी एच फोर, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो सी एच थ्री बन गया। अच्छा एक तो ये पॉसिबल थी नंबरिंग, और ऐसे भी ले सकते थे, देखिए वन टू थ्री, तब भी टू नंबर पे कौन निकला रहता, मिथाइल, सी एच थ्री क्या होता है मिथाइल, ठीक है ना। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन चाहे मैं ऐसे सेलेक्ट करूं चाहे मैं ऐसे बात से मैं, तो सपोज मैं स्ट्रेट लेके चलता हूं, ठीक। रूल नंबर टू, द एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एज साइड चेन्स ब्रांच चेन आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। एल्काइल ग्रुप्स आर considered as substituents, substituents, okay? ये जो side, जो alkyl group होते हैं आपके side में, इनको हम substituents बोलते हैं और इनकी naming हम अलग से करते हैं, okay? And name separately, इसको अलग से naming करिए। For example सुनिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको साइड चेन में कौन दिखाई पड़ रहा है नंबर टू पोजीशन पे, कौन है ये, हाँ सी एस थ्री क्या होता है मिथाइल, और सी टू एच फाइव, सी थ्री एच सेवन क्या होता है प्रोपाइल, एंड सो ऑन टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस वन, याद है, ओके okay. तो ये हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री, हालांकि मैं वो पहले कर चुका हूं पर सुनिए, पॉइंट नंबर थ्री, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन इन सच अ मैनर, In such a manner that alkyl group gets the lowest number, that alkyl group or groups एक भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, groups gets the lowest number। हाँ भाई सुनिए, नंबरिंग करना शुरू करिए इसकी, देखो मैं नंबरिंग चाहे लेफ्ट से राइट करो और चाहे राइट से लेफ्ट, वन टू थ्री, ये राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट, हमेशा मिथाइल ग्रुप को पोजीशन कौन से मिल रही है, टू, टू ही मिल रही है, इससे छोटा नंबर दे सकते हैं बताओ हम लोग, नहीं क्यों नहीं दे सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए मैं इसी कंपाउंड में नंबरिंग ऐसे करता, क्योंकि रूल नंबर वन क्या कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सेलेक्ट करता वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो साइड चेन सी एच थ्री कौन से नंबर पे आता, टू पे, तो दिक्कत है मिथाइल कहां आता तब भी टू पे, मान लो मैं ऐसे नहीं करता मैं ऐसे करता वन टू, यस वन टू एंड थ्री, देखिए वन टू तब भी टू नंबर पे कौन लगा होता मिथाइल, तो हर तरीके से वही आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द पोजीशन ऑफ
alkyl group is indicating the position of alkyl group is indicated by writing the number of carbon atom by writing the number of carbon atom to which it is attached, to which it is attached. Okay, matlab dekhiye idhar, एल्काइल ग्रुप जिस कार्बन एटम पे लगा हो, यहाँ पे कौन से कार्बन एटम पे लगा है एल्काइल? पोजीशन नंबर टू पे. इसलिए हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? टू मिथाइल. वो बता रहा है, क्या बता रहा है? सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे कौन लगा हुआ है? मिथाइल. टू मिथाइल. ओके, ऐसे करते हैं. समझ में आया? पॉइंट नंबर फिफ्थ, कंप्लीट द नेम. Complete the name. How? कैसे complete करें name? पहले लिखेंगे क्या? Alkyl group with position first of right. Alkyl group with position plus parent hydrocarbon plus parent हाइड्रोकार्बन. इसका क्या मीनिंग है? देखिए, पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहां से लेना है? स्ट्रेट चेन से. पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहां से आएगा? लॉन्गेस्ट चेन बोलिए, स्ट्रेट क्या? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन. इजी है, हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है. 11th क्लास में आएगा टफ, अभी तो बहुत इजी है. देखिए क्या होता है, फिर से देखिए क्या बोला जाता है. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन सच अ मैनर दैट एल्काइल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट नंबर. चाहे इधर से करो चाहे इधर से, हर बार इस मिथाइल को कितना नंबर मिल रहा है? टू. ओके, नंबरिंग इस तरीके से करनी, मिथाइल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले तो मिथाइल को, मिथाइल या इथाइल जो भी हो, तो मिथाइल को कितना नंबर मिल रहा है यहाँ? टू. कोई डाउट है? उसके बाद आप सीधे बस यहाँ पे आ जाइए. पॉइंट नंबर फिफ्थ, कंप्लीट द नेम. क्या कहता है? एल्काइल ग्रुप को लिखो किसके साथ? पोजीशन के साथ. तो एल्काइल ग्रुप कहाँ लिखा हुआ है? टू. और टू नंबर पे कौन लगा हुआ है? एक कार्बन एटम है, इसलिए क्या? मिथाइल. टू मिथाइल प्लस पैरेंट हाइड्रोकार्बन. और ये पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहाँ से आता है? मेन चेन से, लॉन्गेस्ट चेन से. लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये वाली. इसमें कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं? वन टू थ्री. थ्री के लिए क्या लगाते हैं? प्रो. सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन. तो ये क्या बन गया? थ्री मिथ सॉरी टू मिथाइल प्रोपेन. थ्री मिथाइल प्रोपेन, सॉरी थ्री मिथाइल बोल रहा हूँ, टू मिथाइल. ओके, उसके बाद अगर आप मान लीजिए नंबरिंग ऐसे करते राइट टू लेफ्ट, तब भी क्या बनता? टू मिथाइल प्रोपेन. अब ये तो हो गया क्या इसका आईयूपीएसी ने? अच्छा, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या लगा हुआ है? CH साइड चेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया इसका. और इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, हाँ, टू मिथाइल प्रोपेन. ओके, उसके बाद इसका कॉमन नेम देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए. कॉमन नेम होगा इसका आइसो. ध्यान देंगे, यहां साइड में अगर एक CH3 ऐसा निकला हो तो क्या लगाओगे आप? हालांकि इसके कोई रूल नहीं है, उन्हें मैंने बताया कॉमन नेम के, पर फिर भी आप कुछ चीजें तो ध्यान रखें.
ऐसा साइड में आपको एक सी एस थ्री दिखाई पड़ेगा तो क्या बोलोगे? आइसो। लेकिन अब आपको क्या करना है, जितने कार्बन एटम हो सबको गिन लो, 1, 2, 3, 4, तो क्या लिखोगे? ब्यूट। अब समझ आया डिफरेंस? हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड किसमें? हाँ, एग्जाम में बेसिकली लिखने के लिए आता है, लेकिन अगर आपको कहीं कॉमन नेम पहचानने के लिए आ जाए तो छोटे मोटे तो आप पहचान सकते हैं ना। तो आईपीसी नेम तो 2-methyl propane है, लेकिन इसका कॉमन नेम डिसाइड चेन CH3 के लिए मैंने लगाया आइसो, और टोटल कार्बन एटम कितने? 4, और सभी कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया? ब्यूटेन। कंफ्यूज मत होना, आइसो ब्यूटेन उसका कॉमन नेम है और 2-methyl propane उसका आईपीसी, दोनों एक ही केमिकल कंपाउंड है, एक ही हाइड्रोकार्बन है। ओके, बस नाम कॉमन नेम अलग है और आईपीसी नेम अलग है। अच्छा, इसके बाद एक कंपाउंड और ले रहा हूं, उसे देखिए। C5H12 एक तो वो वाला था, कौन सा? स्ट्रेट चेन में याद है, उसका नाम क्या होता था? पेंटेन। अब की स्ट्रेट चेन में नहीं है, स्ट्रेट चेन में नहीं है, आपको इस तरीके से दिया हुआ है। CH3 CH CH, यहां पे लगा हुआ है CH3, ओके। ये ऐसा दिया हुआ। सबसे पहले इसका कंडेंस फॉर्मूला बताइए, ये CH3 CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। हाँ, इसमें देखिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? इससे ज्यादा पॉसिबल है? 4 से ज्यादा? ऐसे चलोगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ऐसे चलोगे तो 1, 2, 3, 4, समझ में आया? जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसे करके देख लेते। हाँ, मान लो मैंने ऐसे नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4, मान लो मैंने ऐसे नंबरिंग किया 1, 2, 3, 4, चलो इन दोनों में से बताओ कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। क्यों? हाँ, मिथाइल को नंबर कितना मिलना चाहिए? लोएस्ट। अब इधर से लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो 2 नंबर मिल रहा है, राइट से लेफ्ट चल रहे हो तो 3 नंबर, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे, ये गलत हो गया ना। इस तरीके से नंबरिंग करना है कि मिथाइल ग्रुप, मतलब जो भी अल्काइल है, मिथाइल और एथाइल, उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। ओके, उसके बाद मैं ऐसे भी नंबरिंग कर सकता था, 1, 2, 3, 4 कर सकता था, है ना। ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम थी? 1, 2, 3, 4, अभी भी 4 कार्बन एटम आ रहे हैं लॉन्गेस्ट में, अभी भी 4 आ रहे थे लॉन्गेस्ट में, अभी भी 4 आ रहे थे लॉन्गेस्ट में, लेकिन सबसे करेक्ट ये, क्यों? क्योंकि यहां मिथाइल 2 नंबर पे मिला है, यहां पे मिथाइल कौन से नंबर पे मिला है? ये मिथाइल निकला है साइड में, थर्ड नंबर पे मिला है ना, नॉट अलाउड। इससे बेस्ट तो वो, इसको चेक करते हैं, और कोई प्रोबेबिलिटी? 1, 2, इधर चला जाऊंगा 3 तो गलत हो जाएगा, क्यों? केवल 3 कार्बन एटम है, बल्कि पॉसिबिलिटी कितने की है? 4 की, इसलिए लेफ्ट टर्न नहीं लूंगा मैं, किधर चला जाऊंगा? राइट। 1, 2, 3, 4, ये अलाउड है या नहीं है? हाँ, ये अलाउड है, क्यों? कि 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर पे फिर से क्या लग गया? मिथाइल। कोई डाउट है? ये भी वही है, वो भी वही है, बस इसमें आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है और इसमें आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है, बट 2 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? मिथाइल। नेमिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले किससे बताते हैं? अल्काइल ग्रुप को। किसके साथ? पोजीशन के साथ। तो बताइए पोजीशन के साथ कितने नंबर पे लगा हुआ है?
सेकंड तो 2 कौन लगा हुआ है मिथाइल तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल भाई CH3 मिथाइल होता है ना CH3 मिथाइल होता है और C2H5 मिथाइल होता है और कर लीजिएगा CH3 मिथाइल और C2H5 मिथाइल हां 2 नंबर पे मिथाइल लगा था अब स्ट्रेट चेन में कितने टोटल 4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूटेन ठीक सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन कोई दिक्कत है तो क्या नाम पड़ गया इसका एक हाइफन भी लगा लीजिएगा 2 और मिथाइल के बीच में 2 मिथाइल ब्यूटेन ओके ये हो गया उसके बाद हां भाई इसका कॉमन नेम बताइए ये तो IUPAC हो गया इजी है कॉमन नेम सुनो इस साइड में एक CH3 निकला हुआ है इसलिए आइसो लगा देंगे और सारे कार्बन एटम काउंट करेंगे 1 2 3 4 टोटल 5 है इसलिए पेंटेन कॉमन नेम क्या हो गया आइसो पेंटेन ओके उसके बाद क्या C5 क्या C5H12 का यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल था नो एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है उससे देखिए C5H12 का अभी आप आइसोमर्स पढ़ेंगे आगे चल के थोड़ा सा मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन उसमें वो एग्जाम में जरूर आता है देखिए इसमें C5H12 का एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है ऐसा अगर मैं 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में रखूं एक इधर निकालूं एक इधर समझ में आया क्योंकि टोटल कितने अवेलेबल हैं 5 और हाइड्रोजन कितने अवेलेबल हैं 12 आइए देखते हैं जरा कंप्लीट होता है कि नहीं 3 3 3 6 3 9 और 3 12 कोई डाउट है ये भी C5H12 था ये भी C5H12 था लेकिन दोनों के क्या डिफरेंट है स्ट्रक्चर इसका IUPAC नेम कैसे बनाएंगे सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं इधर से चलूं 1 2 3 तो देखिए 2 नंबर पे एक तो ऊपर मिथाइल निकला हुआ और एक नीचे मिथाइल निकला हुआ उसके बाद अगर मैं मान लो ऐसे नहीं करना चाहता मैं ऐसे करता ऐसा नंबरिंग कर सकता था 1 2 3 एक इधर साइड चेन निकलती 2 नंबर पे CH3 की और एक इधर निकलती कोई डाउट है इसमें भी एक ऑप्शन था मेरे पास 1 2 3 ऊपर से नीचे नहीं करके अगर नीचे से ऊपर कर लेते अगर ऐसा हो जाता मान लो 1 2 3 की जगह क्या आ जाता 1 और 1 की जगह 3 लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 नंबर पे ही मिथाइल लगा और 2 नंबर पे ही मिथाइल लगा है ना इसी तरीके से मैं 1 2 3 लेफ्ट टू राइट चलता या 1 2 3 राइट टू लेफ्ट चलता तो 2 नंबर पे ही मिथाइल लगा होता और 2 नंबर पे ही मिथाइल लगा होता ओके लेकिन यहां पर एक चीज आप देखते हैं क्या देखा हमने इसकी नेमिंग देखिए पहले रूल क्या था पहले क्या लिखना है एल्काइल ग्रुप किसके साथ पोजीशन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप आपको दिख रहे हैं दो और दोनों क्या है सेम समझ में आया दोनों क्या है सेम तो सुनिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है फिर से आपने कॉमा लगा के लिख दिया कि 2 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है ऐसे नहीं लिखेंगे समझ लो 2 नंबर पे ही मिथाइल और 2 नंबर पे ही मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल और स्ट्रेट चेन में कितने 3 इसलिए क्या लिखना चाहिए साथ अलग से वैसे ये होना चाहिए लेकिन देखिए जब एक ही चीज दो बार आ जाती तो मैं डाई लगा देता हूं क्या लगा देता हूं मैं सेम एल्काइल टू टाइम्स डाई लगा दीजिए सेम एल्काइल 3 टाइम्स क्या लगा देंगे ट्राई इतना आप समझिए
तो देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा टू और पोजीशन दो बार देनी, कितनी बार? दो बार, दो नंबर पे लगा है और दो नंबर पे लगा है, अब समझ में आया? तो टू कॉमा टू मिथाइल मिथाइल दो बार लिखने की बजाय क्या कर दिया, डाई मिथाइल और प्रोपेन, कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? कभी कभी इसी में अल्फाबेट का कंपटीशन हो जाता है, किसका कंपटीशन हो जाता है? अल्फाबेट का, मान लीजिए कि टू नंबर पे मिथाइल लगा होता, प्लीज ध्यान दें इधर, टू नंबर पे मान लीजिए ऐसा कंपाउंड आ जाए, टू नंबर पे मिथाइल लगाओ और थ्री नंबर पे इथाइल लगाओ, चलिए इतना कुछ है तो नहीं आपके सिलेबस में, पहले तो सुनो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोएस्ट नंबर देंगे, क्या मैंने बोला? हाँ, M पहले आता है कि E पहले आता है? M. E पहले आता है, तो जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो इस तरीके से नेमिंग करेंगे, मैं एक दो आपको करा दूंगा एग्जांपल लाके तभी क्लियर होगा, अभी छोड़ दीजिएगा, अभी छोड़, वैसे आपके सिलेबस में इतना नहीं है बट समझ में आ गया, इसका भी नाम करते कैसे करते, एक मिनट, इसका भी नाम करते कैसे करते, टू नंबर पे मिथाइल, टू नंबर पे मिथाइल, इसलिए क्या बनता है टू टू डाई मिथाइल, बस स्ट्रिक्ट चेन में कितने थ्री थ्री टू डाई मिथाइल प्रोपेन, हाँ बताइए टू टू बाय टू कितने मिथाइल ग्रुप लगे, दोनों की पोजीशन क्या है, तो बता रहे पहला भी टू पे लगा है कॉमा दूसरा, मान लो ऐसा कुछ हो गया होता कि पहला टू पोजीशन पे लगा होता और दूसरा फिफ्थ पोजीशन पे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैं कुछ और प्रैक्टिस करा दूंगा, पहला टू पोजीशन पे लगा दूसरा फिफ्थ पे, मान लो ऐसा होता तो क्या करते, टू कॉमा फाइव डाई मिथाइल, समझ आया, पहला टू नंबर पे और दूसरा फिफ्थ नंबर पे, अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, कुछ बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा इसकी और, ओके अच्छा सुनिए, जब ऐसा दो CH3 निकले होते ना, ऐसा एक CH3 दो, तो नाम रखिए नियो, कॉमन नेम में कैसे नाम रखेंगे, नियो, आइसोम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नियो, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन, क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, ठीक है ना, हाँ, उसके बाद नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड, हाँ भाई, अनसैचुरेटेड में पहला है मेरे पास C2H4, C2H4 का स्ट्रक्चर बताइए, C डबल बॉन्ड C, H H H H, कोई डाउट है, क्या बन जाएगा कंडेंस, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेम मेथ एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए डाउट है, उसके बाद C3, अच्छा इसका कॉमन नेम होता है इथाइलीन, इथीन इज IUPAC एंड कॉमन नेम इज इथाइलीन, इसका कोई रूल नहीं, ओके याद करना है आपको, फिर नेमिंग ऑफ C3H6 कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, दो एच इसके पास लगेंगे, सिंगल एच इसके पास लगेगा, कोई डाउट है इसमें स्ट्रक्चर में, बैलेंस है, ओके, नंबरिंग इस तरीके से करनी कि बॉन्ड को क्या मिले, लोएस्ट नंबर, तो लेफ्ट से अगर करोगे 1 2, तो बॉन्ड को क्या मिलेगा, टू नंबर, टू से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, और राइट से लेफ्ट करोगे तो बॉन्ड कहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाए, वन पोजीशन से, इसलिए कौन सा चलेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला गलत है, नाम इसका क्या पड़ेगा, मैथ एथ प्रोब, प्रोब है
रो वन, डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, वन नंबर से, क्या पड़ेगा रो वन ई। अगर बॉन्ड वन नंबर पे ही तो नॉर्मली उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रुपिंग। बॉन्ड वाला मैं समझा चुका हूं ना पहले भी, ठीक है। उसके बाद इसका कॉमन नेम होता है प्रोपाइलीन, कॉमन नेम प्रोपिलीन, 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 ओके। नेक्स्ट लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। इसमें मैं अभी तो बेसिक करा रहा हूँ, मैं और भी देखूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा कहीं से, हालांकि इतना डिटेल में नहीं आते सिलेबस में। सी टू एच टू, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, तो क्या बन जाएगा, नाम बताइए इसका, आयुबीएसएफ हाँ, मैथ एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, बताया था अभी, एथाइन, कॉमन नेम याद है किसी को, सी टू एच टू का कॉमन नेम एसिटिलीन, एसिटिलीन कॉमन नेम भी याद होने चाहिए आपको जितने आपके सिलेबस में। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है C3H4। C3H4 स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, करेक्ट है, कंडेंस फॉर्मूला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यही इसकी लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेगी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर वन मिलेगा, नाम क्या बनेगा, मेथ एंड प्रो, तो प्रो वन आइन, जिसको कि नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपाइन। सर उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं लगता, ओके तो सिंगल बॉन्ड नहीं, हाँ इसमें सिंगल बॉन्ड लगा, ठीक, प्रोपाइन, ओके। इसका आईयूपीएसएफ नेम है मिथाइल एसिटिलीन, कॉमन नेम, कॉमन नेम भी कोई नियम नहीं है, मिथाइल एसिटिलीन, देखिए C2H2 का कॉमन नेम क्या था, एसिटिलीन ना, तो वहीं से ये आया है कहीं ना कहीं, ये साइड में क्या निकला हुआ ऐसे मिथाइल, और दो कार्बन एटम के लिए कॉमन नेम क्या लगा दिया, एसिटिलीन। तो दिखने में तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, दिखने में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कॉमन नेम में देखिए आइन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ई, कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर कहां से ली गई है, एसिटिलीन से। ये साइड में रहा मिथाइल, ये सब याद करने के तरीके, इसके कोई रूल नहीं, मिथाइल और दो कार्बन एटम के लिए क्या लगा दिया, एसिटिलीन। लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉमन नेम, ये समझ में आया आपको, प्रोपाइन, ओके। उसके बाद है मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको, आपको ऐसे दिया हुआ है, कार्बन बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, इस पे तो कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, अब 1 2 3 4 इस पे भी नहीं लगेगा, 1 2 3 4 इस पे लगेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये हो गया, ओके। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यही होगी, नंबरिंग इस तरीके से करेंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले तो लेफ्ट टू राइट करो कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स प्लस 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, आइन, तो हेक्स 1 आइन, 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए सिंपली क्या बोल सकते हैं, हेक्साइन, ओके। ये हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास का स्टडी करेंगे आइसोमर्स, और कुछ आईयूपीएसएफ की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा अलग से।